हेलो नमस्कार सत श्री अकाल सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी। मैं अनिकेत आप सबका इस वीडियो सेशन में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो सेशन में काफ़ी मजा आने वाला है। इस वीडियो सेशन में काफ़ी कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये वीडियो सेशन होने वाला है, काफ़ी जोश भरा वीडियो सेशन ये मैं करने वाला हूं आज। तो इस वीडियो सेशन में क्या है बच्चों, आज कभी जो है फिलहाल बैंकिंग एस्पिरेंट्स, जितने भी बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं सभी के मुंह पे, सभी के जवान पे SBI PO का जो है नाम वो आ रहा है, बार बार आ रहा है। तो काफ़ी बच्चे काफ़ी टाइम से जो है प्रैक्टिस कर रहे होंगे, प्रिपरेशन कर रहे होंगे। कुछ बच्चे जो है कुछ अभी से प्रिपरेशन, कुछ काफ़ी टाइम कुछ दिन पहले से प्रिपरेशन करना स्टार्ट किए होंगे। तो जो बच्चे पहले से 3-4 महीने पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। जो बच्चे अभी कुछ टाइम पहले से इम्पॉर्टेंट अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको इस वीडियो में ऐसा कुछ बताने वाला हूं कि आपका सिलेक्शन SBI PO प्रीलिम्स में पक्का है, ये मेरा दावा है। तो मैं आपको क्या बताने वाला हूं, जो 3-4 महीने से जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी रिविजन इम्पॉर्टेंट है, और जो तैयारी अभी कुछ टाइम पहले से कर रहे हैं उनके लिए कैसे ये प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्लियर करना है, कैसे ये प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्रैक करना है, उसी का फॉर्मूला मैं आज लेके आया हूँ। आपको बताने वाला हूँ इस फॉर्मूला में क्या है, मैं ऐसा स्टडी प्लान बताऊंगा। हाँ बच्चों, मेहनत आपको करनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा आवर आपको मैक्सिमम जो है पढ़ाई में देना होगा। तो आपको उस मैक्सिमम आवर्स में पढ़ाई करनी है, मेहनत करना है, आप मेरे वीडियो सेशन के साथ चले, दावा है मेरा आपका SBI PO प्रीलिम्स क्लियर होगा। तो मैं आपके सामने 15 डेज का, आज के टाइम पे अगर हम डेट देख ले तो आज जो है 16th of May है और 8 जून को जो है इसका एग्जाम प्रीलिम्स का होने वाला है। तो मतलब मान के चले तो 3 वीक अभी हमारे पास जो है, ऑलमोस्ट 3 वीक्स जो है ऑलमोस्ट SBI PO प्रीलिम्स का टाइम है हमारे पास। फिर भी मैं आपके लिए 15 डेज का ही स्टडी प्लान लेके आया हूँ। 15 डेज स्टडी प्लान में ही जो है मैं आपको SBI PO प्रीलिम्स क्लियर करवाऊंगा, ये मेरा दावा है। तो देखते हैं इस स्टडी प्लान में क्या है, कैसे तैयारी करनी है, कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, रीजनिंग के, क्वांट के, इंग्लिश के, और कैसे आपको प्रैक्टिस करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कौन से पजल लगाने हैं, कौन से DI नहीं लगाने हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो सेशन में। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 15 डेज का स्टडी प्लान है और मैं इसमें कुछ टिप्स आपको देने वाला हूं जो कि हम इस वीडियो सेशन में बताएंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं रीजनिंग सेक्शन से, जो कि एक काफ़ी मेजर सब टॉपिक होता है एग्जामिनेशन में। रीजनिंग का हमेशा जो है गेम चेंजर का जो है रूप प्ले करता है वो। तो रीजनिंग एबिलिटी में ये राइट साइड में मैंने क्या लिख रखा है इसके बारे में डिस्कशन में लास्ट में करूंगा। पहले ये देखते हैं जो मैंने 15 डेज का स्टडी प्लान रीजनिंग एबिलिटी का बनाया है आपके लिए। जो बच्चे रिवीजन भी करना चाहें इस 15 डेज स्टडी प्लान से, काफ़ी अच्छा स्टडी प्लान बना हुआ है, काफ़ी सोच समझ के मैंने बनाया है स्टडी प्लान। सारे पजल्स भी कवर किए हैं, सारे सिलॉगलिज्म भी टाइप कवर किए हैं, डेटा सफिशियंसी, इनपुट आउटपुट सारी चीज़ कवर है जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आने के चांसेस है ना। तो डे वन की बात करूँ, अगर आप स्टार्ट कल से भी करते हैं तो डे वन की स्टार्ट करूँ मैं आपको, स्टार्ट करना इनइक्वालिटीज, कोडिंग डिकोडिंग और सर्कुलर पजल। इनइक्वालिटीज बच्चों काफ़ी जो है नॉर्मल सा जो है टॉपिक है, कोडिंग डिकोडिंग भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, और सर्कुलर पजल मोस्टली बच्चे को मोस्टली जो है बच्चों को जो है काफ़ी इंटरेस्ट होता है कि सर्कुलर पजल मैं आराम से सॉल्व कर पाऊंगा। तो डे वन पे जो है आपको इनइक्वालिटीज, कोडिंग डिकोडिंग और सर्कुलर पजल जो है आपको फॉलो करना है। ये रीजनिंग का टॉपिक है जो कि डे वन में आपको फॉलो करना है। डे टू पे इनपुट आउटपुट और रेक्टेंगुलर पजल और मिसलेनियस जो हैं, ये जो मिसलेनियस जो क्वेश्चन जो रीजनिंग में आते हैं वो आपको फॉलो करने हैं डे टू पे, ठीक है। डे थ्री पे जब आएंगे तो फिर आपको बॉक्स पजल, सर्कुलर पजल एक बार फिर से, क्योंकि सर्कुलर पजल में कभी कभी इनवर्ड रहता है, कभी आउटवर्ड रहता है, कभी इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों मिक्स रहता है, तो आपको सर्कुलर पजल जो है फिर दोबारा करना है, फिर इनइक्वालिटीज करनी है, ठीक है। अभी कहाँ से करनी है, कैसे करनी है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपका ये स्टडी प्लान तैयार होना चाहिए, ठीक है। फिर डे फोर पे कोडिंग डिकोडिंग जो है होना चाहिए, फिर दोबारा फ्लोर पजल और मिसलेनियस और सिलॉलिज्म के क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है। डे फाइव पे डे बेस पजल, ब्लड रिलेशन, डेटा सफिशियंसी और डायरेक्शन के क्वेश्चन होने चाहिए। डेटा सफिशियंसी मैं बच्चों बता दूं, पहले मेंस में पूछा जाता था, लेकिन जो है जैसे पिछले साल जो है प्रीलिम्स के कुछ एक शिफ्ट में जो है डेटा सफिशियंसी और इनपुट आउटपुट दोनों के क्वेश्चन देखे गए थे, तो इसलिए जो है मैंने अपने स्टडी प्लान में डेटा सफिशियंसी भी रखा है। तो आपको डायरेक्शन के भी क्वेश्चन करने हैं। डे सिक्स पे जो है लीनियर पजल रहेगा, ऑर्डर एंड रैंकिंग रहेगा, सिलॉलिज्म रहेगा। डे सेवन पे मंथ बेस पजल, डेटा सफिशियंसी और डायरेक्शन रहेगा। डे एट पे फिर से आपको सिलॉलिज्म पे आना है, बॉक्स पजल होगा, सर्कुलर पजल होगा, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग को मैं बार बार फोकस क्यों कर रहा हूं, सिलॉलिज्म को बार बार फोकस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये जो है इजी टॉपिक है और इनमें जो है आराम से मार्क्स गेन किए जा सकते हैं,
ठीक है बच्चों। तो फिर डे 9 में जो है फिर से आपको सिलोलिज्म करना है, सॉर्ट पजल करने हैं, ब्लड रिलेशन करना है, मिक्स पजल करना है और डायरेक्शन करना है। मतलब टॉपिक आपको ढेर सारे हैं, आपको टाइम तो देना पड़ेगा बच्चों, मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि 15 डेज का ये स्टडी प्लान है। मैं दावे के साथ कहता हूं आप ये लेके चलो, मैं अभी क्वांट का भी बताने वाला हूं और इंग्लिश का भी बताने वाला हूं, एग्जाम क्रैक करवाना मेरा ये दावा है, ठीक है। तो डे 10 पे आप क्या देखोगे, डे 10 पे बॉक्स पजल है, फिर इनइक्वालिटीज है, फ्लोर पजल है, ठीक है। डे 11 पे फिर से लीनियर पजल है, कोडेड है, इनइक्वालिटी है, नंबर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो ये डे 11 का जो है ये कंप्लीट एक चार्ट बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, डे 12, डे 13, डे 14 और डे 15 पे प्रैक्टिस सेट मतलब कहने का कि ऊपर जितने सारे टॉपिक थे इन सारे टॉपिक पे बेस्ड कवर जो प्रैक्टिस सेट होंगे वो प्रैक्टिस सेट जो है आपको देने हैं। वो प्रैक्टिस सेट अगर आप दे दिए तो आपके जितने आपने ऊपर सारे लगाए वो सारे आपके रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। अब कहाँ से लगाने हैं, तो पहला चीज क्या है, पहला चीज हमारे बैंकर्स अड्डा पे ऑलरेडी जो है स्टडी प्लान चल रहा है, वहां पे ऑलरेडी ये जो है हमारे क्विज आ रहे हैं, तो आपको बैंकर्स अड्डा के जो है आपको फॉलो करने, वहां पे हम हर वीक प्रैक्टिस सेट भी देते हैं जो कि ऊपर जितने सारे हमने टॉपिक लिख रखे हैं इस पे बेस्ड जितने भी क्विज होते हैं हम प्रैक्टिस सेट भी देते हैं, तो आपको इस प्रैक्टिस सेट को भी फॉलो करना है। साथ साथ हम जो है अब आपके लिए मैं आपके लिए डेली कुछ ना कुछ ऐसा लेके आऊंगा, जो टॉपिक पे आप मुझे बोलोगे मैं उस टॉपिक पे जो है आपको रीजनिंग में मैं पढ़ाने के लिए आऊंगा क्योंकि मैं रीजनिंग का एक्सपर्ट हूं। तो आप मुझे इस अपने कमेंट सेक्शन में मुझे लिख भी सकते हैं कि आपको क्या क्या कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, आपको किस टॉपिक में दिक्कत आ रही है, मैं उस टॉपिक पे ऊपर जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चन और जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं मैं वो लेके आऊंगा, ठीक है। तो एक बार उसके बाद साथ साथ जो है आपको बच्चों मॉक लगाना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मॉक अगर आप देंगे तो भी आपको पता चलेगा कि कहाँ आप जो है स्टे कर रहे हैं, कहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। तो मॉक लगाना काफी इंपॉर्टेंट है, डेली आप एक मॉक दें। अब ये जो राइट साइड लिखा हुआ था बच्चों, ये राइट साइड जो पिछले साल का SBI PO प्रीलिम्स का जो एनालिसिस है, एनालिसिस क्या मतलब 35 क्वेश्चंस जो है इसमें रीजनिंग में पूछे गए थे, पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट से जितने सारे क्वेश्चन थे वो थे 14 क्वेश्चन थे, कोडिंग डिकोडिंग से 4 क्वेश्चन पूछा गया था, ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन था, इनइक्वालिटी से 5 क्वेश्चन, मशीन इनपुट आउटपुट से 5 क्वेश्चन, डेटा सफिशिएंसी से 3 क्वेश्चन पूछा गया था, डायरेक्शन से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और एक सिंपल सा कोडिंग था जिसमें कि 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों। मतलब ये जो है पेपर मॉडरेट था लेकिन थोड़ा सा लेंदी था, टोटल 35 क्वेश्चन जो है इसमें दिए गए थे, ठीक है। तो ये एनालिसिस है पिछले ईयर का जो कि रीजनिंग में पूछा गया था और ये जो है मैंने आपको बताया ये स्टडी प्लान है। सेम उसी तरीके से जो है अब हम डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी जो है DI जो है हमने कवर किया है। डे 1 पे अगर अब मैं बात करूं तो डे 1 पे आपको टेबलर जो DI होता है वो आपको कवर करना है, फिर परसेंटेज के टॉपिक कवर करने हैं, एवरेज और नंबर सीरीज आपको कवर करना है। नंबर सीरीज काफी इंपॉर्टेंट है, इजी होता है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आप 4 से 5 नंबर जो है नंबर सीरीज से और नॉर्मली पूछे जाते हैं। उसके बाद डे 2 पे मैं बात करूं तो DI जो है पाई चार्ट आपको कवर करना है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन कवर करना है, पार्टनरशिप और सिंप्लीफिकेशन कवर करना है, ठीक है। डे 3 पे DI जो बार ग्राफ जो पूछा जाता है वो कवर करना है आपको, एज प्रॉब्लम्स, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। डे 4 पे DI फिर से टेबुलर, पाइप एंड सिस्टर्न, मिक्सर एंड एलिगेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपको कवर करना है। डे 5 पे DI, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, सिंप्लीफिकेशन, ये जो टॉपिक है डे 5 पे कवर करने हैं। डे 6 पे जो है लाइन ग्राफ, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क एंड अप्रोक्सीमेशन। डे 7 पे डेटा सफिशियंसी, बोर्ड स्ट्रीम, ट्रेन प्रॉब्लम्स और नंबर सीरीज। डे 8 पे जो है मिक्स DI, मिसलिनियस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डे 9 पे कैसलेट, क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 जैसे जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो क्वांटिटी वाले ये क्वेश्चन हैं, क्वांटिटी कंपैरिजन, सिंप्लीफिकेशन। और डे 10 पे मिक्स DI, मिसलिनियस क्वेश्चन और अप्रोक्सीमेशन। डे 11 पे फिर से पाई चार्ट, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन और नंबर सीरीज, ठीक है। तो ये जो है 11 डे का जो है कंप्लीट इसमें प्लान है और फिर से इसमें जो है प्रैक्टिस सेट है जो कि ऊपर वाले टॉपिक पे सारे कवर होंगे। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 जो पूछे जाते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ये काफी इंपॉर्टेंट है, पिछले साल भी जो है 5 नंबर के क्वेश्चन इससे पूछे गए थे, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो पिछले साल का जो एनालिसिस है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ये 35 क्वेश्चन इससे पूछे गए थे, मॉडरेट था पेपर, DI से जो है पाई चार्ट, टेबुलर, बार ग्राफ, कैसलेट जो है पूछा गया था, टोटल 15 क्वेश्चन,
और उसके बाद अप्रोक्सीमेशन से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, रॉन्ग नंबर सीरीज से 5 क्वेश्चन पूछा गया था, क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 से 5 क्वेश्चन पूछा गया था, अर्थमेटिक जो वर्ड प्रॉब्लम थे उससे 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो टोटल ये जो है क्वांट का हमारा ये डेटा है, क्वांटिटी एटीट्यूड का डेटा है जो कि प्लान है, साथ में हमारा जो है प्रीवियस ईयर का एनालिसिस है। सेम उसी तरीके से बच्चों जो है मैं इंग्लिश का एक बार आपसे डिस्कशन करूंगा। तो इंग्लिश में क्या पूछा गया था, इंग्लिश में जो है ये मैं बाद में डिस्कशन करूंगा, जो है एक स्टडी प्लान जो मैंने 15 डेज का बनाया है, जैसे मैंने आपके साथ रीजनिंग और क्वांट का जो है आपके साथ डिस्कस किया, सेम उसी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज का मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। बच्चों ये इंटरेस्टिंग, काफी इंटरेस्टिंग जो सेशन है, मैं चाहूंगा कि लाइक तो जरूर बनता है। जो 15 दिन में मैं आपको SBI PO क्लिम्स क्लियर करवा रहा हूं, तो लाइक जरूर बनता है बच्चों, और जितने ज्यादा से ज्यादा शेयर हो सके उतने से ज्यादा ज्यादा शेयर करो, ताकि सबके लिए यूजफुल हो ये, ठीक है। तो डे वन पे जो है आपको सिंगल डबल एंड ट्रिपल फिलर्स जो है कवर करने हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की कवर करना है। डे टू पे पैराजम्बल्स, वोकेबुलरी और क्लोज टेस्ट कवर करने हैं। डे थ्री पे वर्ड रिप्लेसमेंट, सेंटेंस कंप्लीशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस कवर करने हैं। डे फोर पे एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट कवर करने हैं। डे फाइव पे स्पेलिंग्स, एरर्स, फिलर्स, पैराजम्बल्स। डे सिक्स पे सेंटेंस रीअरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट। डे सेवन पे वर्ड यूजर्स, कॉलम बेस्ड सेंटेंस कनेक्टर। डे एट पे जो है एरर डिटेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट और स्पेलिंग एरर्स कवर करने हैं। डे नाइन पे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, पैराजम्बल, वोकेबुलरी कवर करनी है। और डे टेन पे फिर से पैराजम्बल, वोकेबुलरी, कॉलम बेस्ड सेंटेंस और कनेक्टर्स। मतलब इसमें बात करूं तो मैं जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, क्लोज टेस्ट है, एरर डिटेक्शन है, ये कुछ काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको एग्जाम में नॉर्मली देखे जाते हैं, ठीक है। तो सेम उसी तरीके से जो बाद बाकी रिमेनिंग डेज बचेंगे वो आपके लिए प्रैक्टिस सेट होंगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे जो है बैंकर्स अड्डा आपको फॉलो करना है, साथ साथ जो है आपको मॉक देते रहना है, और जैसे कि मैंने आपको रीजनिंग के लिए बताया, जो भी आप कमेंट सेक्शन में जो भी टॉपिक लिखेंगे मैं उस टॉपिक को आपके लिए लेके आऊंगा, जो भी आप बताएंगे मैं उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए आपको करवाऊंगा, ठीक है। साथ साथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में भी बता सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स आएंगे उनके बारे में भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक बार एनालिसिस देख ले प्रीवियस ईयर का, तो इसमें प्रीवियस ईयर में 30 क्वेश्चन थे, मॉडरेट क्वेश्चन पूछा गया था, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से 5 क्वेश्चन था, फ्रेज रिप्लेसमेंट से 8 क्वेश्चन, कनेक्टिंग सेंटेंस से 5 क्वेश्चन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट से 6 क्वेश्चन, सेंटेंस स्टार्टर से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पेपर मॉडरेट था बच्चों, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश में ऐसा नहीं है कि आपको डरना नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं करना, पेपर मॉडरेट था। आप अगर पेपर टफ भी आता है तो पेपर सबके लिए टफ आएगा, आपको एक सीट सिक्योर करनी है। मैं आपको बोल रहा हूं कि आप जितने लोग भी इस वीडियो सेशन में हैं हमारे साथ, जितने लोग भी इस वीडियो सेशन को देख रहे हैं, आप अगर ये ईमानदारी से स्टडी प्लान फॉलो करेंगे, उस एक एक सीट में आपका नाम फिक्स रहेगा, ठीक है। तो अब एक बार मैं आप लास्ट ईयर जो कट ऑफ जो था SBI PO क्लिम्स का वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूं। तो जनरल का जो कट ऑफ था 56.75 था, OBC का कट ऑफ था 54.25, SC का कट ऑफ 49, ST का कट ऑफ 43, ठीक है। तो अब ये तो प्रीवियस ईयर 2018 का था, अभी 2019 का पेपर नहीं हुआ है, लेकिन जैसे प्रीवियस ईयर पेपर जो है मॉडरेट था, अगर इसी हिसाब से पेपर मॉडरेट आता है तो मैं सारे कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूं, तो मैं नॉर्मल बात कर रहा हूं कि सेफ अटेम्प्ट कितने होने चाहिए बच्चों। तो सेफ अटेम्प्ट अगर आप एक्यूरेसी के साथ करते हो 60-65, तो ये आपका सेफ अटेम्प्ट है, मतलब आप बाहर नहीं हो सकते PO क्लिम्स में, आपकी जगह PO क्लिम्स में फिक्स है। तो आप जो है 60-65 आपका ये सेफ अटेम्प्ट है, पेपर अगर जिस तरीके से आया है उस तरीके से, अगर पेपर इससे ज्यादा टफ होता है या इजी होता है तो कट ऑफ ऊपर या नीचे होगा, उसके बारे में जो है हम पेपर, मैं आपको दोबारा पेपर खत्म होने के बाद फिर दोबारा आपके सामने आऊंगा और बताऊंगा कि गुड अटेम्प्ट कितने होने चाहिए थे और क्या जो है कट ऑफ, मतलब एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, ठीक है। तो अब एक चीज है कि जैसे मैंने आपको बताया, आपको BA जो है फॉलो करना है, साथ साथ आपको मॉक देना है, ठीक है। तो आई होप काफी सारे बच्चे जो है हमारे टेस्ट सीरीज ऑलरेडी परचेज कर चुके होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी जो लोग अभी परचेज नहीं किए हैं टेस्ट सीरीज, मॉक देना काफी इंपॉर्टेंट है, यही आपको बताएगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, आपके कहाँ पे मिस्टेक्स हो रहे हैं, कहाँ पे आपको और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ये टेस्ट सीरीज ही काफी इंपॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज, क्योंकि आपका एग्जाम जो है ऑनलाइन होना है, ठीक है। तो SBI PO 2019 का प्रीलिम्स का जो है हमने मॉक ऑलरेडी हमने लॉन्च कर रखा है, ये हमारे स्टोर पे अवेलेबल है, जो कि सिर्फ प्रीलिम्स के लिए है। SBI PO प्राइम जो है इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों कवर होंगे, तो जो भी आपको मन करे आप हमारे स्टोर से ले सकते हैं, कहाँ से लेना है कैसे लेना है वो मैं आपको बता दूंगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मॉक देना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। अब जो है ये कहाँ से आपको परचेज करना है, तो आपको जाना है store.adda247.com पे, यहाँ पे टेस्ट सीरीज वाले टैब पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको टेस्ट सीरीज दिख जाएगा, ठीक है।
इन केस SBI PO प्रीलिम से स्टडी प्लान से कैसे तैयारी करनी है, क्या दिक्कतें आपको आ रही है, रीजनिंग के कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, या कुछ भी आपको SBI PO प्रीलिम से जो मेरे से जानना है, मेरे से डिस्कस करना है, तो मेरी मेल आईडी है aniket.kumar@adda247.com। आप इस मेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आपके हर क्वेरी का आंसर करूंगा, चाहे जो भी क्वेरी आपकी होगी। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा आज का वीडियो सेशन जो कि मैंने आपको बताया। अब साथ साथ जो है मैं एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं आपके लिए और भी करने वाला हूं। तो जैसा कि आप सबने देखा होगा ये पूरा वीडियो सेशन, तो एक काफ़ी एनर्जेटिक और काफ़ी जोश भरा ये सेशन रहा है, और मैं उम्मीद करता हूं आप सब भी जो है ये तैयारी बिल्कुल जोश के साथ करेंगे। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, मैं एक और अनाउंसमेंट आपके साथ में करने वाला हूँ कि मैं हूँ रीजनिंग एक्सपर्ट। ठीक है, तो आपको जो है मैं रीजनिंग ही पढ़ा सकता हूँ, रीजनिंग के बारे में बता सकता हूँ कि रीजनिंग टॉपिक्स के, लेकिन हाँ जनरल क्वेरी जो है मैं सारी जनरल क्वेरी दे सकता हूँ। फिर भी आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश में जो भी दिक्कतें आ रही होंगी हमारे एक्सपर्ट्स आएंगे जिस टॉपिक में वो आपको बताएंगे। रीजनिंग के रिगार्डिंग जो भी टॉपिक्स होगा मैं कोशिश करने वाला हूँ कि अगले वाले टॉपिक में मैं आपके लिए पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब 12 मिनट में अगर मैं करूँ बात, 12 मिनट में मैं आपको 4 पजल एग्जाम में कैसे सॉल्व करते हैं मैं वो बताने वाला हूँ कि कैसे 12 मिनट में 4 पजल कंप्लीट किया जाता है। तो इस तरह के कुछ टॉपिक या कुछ और भी आपको सिलोलिज्म जानना हो, डेटा कुछ भी जानना हो, डेटा सफिशिएंसी जानना हो, तो मैं जो है आपके लिए टॉपिक्स लेके आने वाला हूँ। आप तैयार रहें उसके लिए, उस वीडियो सेशन के लिए। तो आपको इस सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और साथ ही साथ जितने भी लाइक हो सके जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।